देविका देविका आगे मत जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज हम समुंदर के किनारे, बस अचानक ऐसे ही प्लान बन गया और हम यहाँ पर घूमने के लिए आ गए, क्योंकि किसी काम से आए थे। तो फिर सोचा हमने कि चलो, थोड़ा सा जीविका जिद कर रही थी और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बॉम्बे का जो समंदर है वो यहाँ की शान है। खैरा, इसके बिना तो मुंबई कंप्लीट ही नहीं है। और जीविका देखो क्या कर रही है, जीविका को दिखाती हूँ। जीविका कहीं भी चली जाए, उसको बगैर कुछ लिए उसको चैन ही नहीं मिलता। तो देखिए क्या लेने जा रही है। वाओ, कहाँ से लिया? यहाँ मिट्टी में था। ओके, चलो। शेर मैंने सच्ची है, रियल में तो मुझे पता नहीं था शेर होते ही है। होते हैं बेटा, मैंने पहली बार देखा। अभी बढ़िया रे, अभी हफ्ता में तो मिल जाता है। बताया आपने बताएंगे मैं कितना दूँ? 70। हाँ, 100 का है। 100 बहुत ज़्यादा, 100 से है ना। बता ना यार, पिंक नहीं है? पिंक है ना, पिंक पिंक दे दो भाई। बाल्टी पिंक चाहिए? और जीविका ये बस अभी यूज करके तुम फेंकने वाली हो, है ना? आराम से खाओ। यहाँ पे आके भुट्टा खाना सभी को बहुत पसंद होता है। और वो एक नारियल पानी ले लो और दो स्ट्रॉ, पुराने पिक्चर में होता था, अब नहीं होता। जीविका क्या कर रही हो? खेल रहे। अच्छा, बढ़िया। जीविका कर रही है पूरा एंजॉय। हाफ भुट्टा क्यों लिया तुमने? क्योंकि हाफ आपने ले लिया है। नहीं, ये ले लो, मैं नहीं खाऊंगा। वाह, डिजाइन तो देखो क्या बना कर दिया है। केकड़े की तरह। ये केकड़ा मैं बना रही हूँ। ये आप, आपको नहीं, नहीं आप ये खाओ बेटा। क्या कह रही हो जीविका? पानी में इसलिए जाने नहीं दे रहा क्योंकि देखो अभी पानी सेफ नहीं है। और पीछे देखो, अभी समुंदर का पानी बहुत पीछे है बेटा। आप वहाँ तक जाओगी ना तो फिसल फिसल जाओगी। मेरी ये तो भुट्टा ऐसे खा रही है जैसे मुझे भूल ही गई है। भाई मैं भी आया हूँ साथ में। और ये जो आपने दिया है ना, ये केकड़े की तरह अभी तक मैंने खाया नहीं है। ये मतलब खाया भी है और नहीं भी खाया, ऐसे कौन सा? ऐसे ही होता है। आपने जितना अच्छा वाला था खा लिया। सनराइज़ जो होता है लोगों को अक्सर पसंद आता है, है ना? लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि सनसेट भी कितना खूबसूरत लगता है? ये देखो आपके सामने, धीरे 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 अभी ये सनसेट हो गया। कितना प्यारा, देखो बच्चे कितने फ्री होकर घूम रहे हैं। जब कोविड नहीं था तो उससे पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था यार यहाँ पर एकदम फ्री होकर। लेकिन अभी तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस भी ज़्यादा है, बट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मुंबई की शान, समुंद्र। ये क्या हो रहा है? ये मैं सपनों का महल बना रही हूँ। आज रेत का है, कल ये सच का महल होगा जिसमें एसी होगी, जिसमें लग्जरी सब आइटम्स होंगे। एसी तो तुम्हारे घर में अभी भी है? अभी नहीं, वो वाला महल जो एकदम बिल्कुल बड़ा वाला। अरे क्या महल, महल जमीन से जुड़े रहो यार। जमीन से तो जुड़े है और महल की भी जरूरत है। देखो अभी हम कितना नीचे बैठे, यहाँ से नीचे हमें कौन गिराएगा? आप फिलहाल मेरे महल को बनाने दीजिए, महल टूट रहा है। चलो बनाओ बनाओ। जीविका तुम ऐसे मत करो यार, मैं भी तो डाल रही हूं। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं बनेगा बेटा, ये गीली रेत से बनता है। कल हम लोग ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए थे और एक्चुअली बारात को बहुत लेट हो गया था, तो सोते सोते भी ये 1:30-2 बज गए थे, तो ब्लॉग एंड करने का टाइम नहीं मिला। बिकॉज बाहर गए थे हम लोग, तो डिनर वगैरह करके सब आए, तो उसके बाद बहुत लेट हो गया। तो अभी मैं सुबह आ गया वर्कआउट करने के लिए, तो अभी भी टाइम नहीं मिला सुबह वर्कआउट के पहले कि हम लोग सोचे कि ब्लॉग एंड कर लें, लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी मैं आ गया वर्कआउट करने के लिए, तो अभी मैं घर जाऊंगा। घर जाने के बाद शीतल के साथ मिलके इस ब्लॉग को एंड करूंगा। और बहुत थके हुए हैं, वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो चुका है और नाउ आई एम रेडी टू गो बैक टू माय प्लेस, घर पे। यहाँ का फैन भी नहीं बन गया। तो कर लो ना भाई, कभी कुछ भी कुछ कर लिया करो, सारे काम हमारे ऊपर ही छोड़ दे। अब दया तुम्हारी, मतलब तुमने ना आज का ब्लॉग भी एड नहीं किया, बताओ तुम क्या हो यार? मतलब दो, मतलब कल से हम लोग शूट कर रहे हैं और अभी तक तुमने ब्लॉग एड नहीं किया।
कमाल है ना तुम्हारा, मतलब ये भी देखो मैंने अभी कैमरा लगाया यहाँ पे, आके आप बैठ गई ब्लॉग एडिट कर। अभी भी लग रहा है जैसे मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है ऐसे नींद वाले शक्लों से ब्लॉग एडिट करोगी क्या? नहीं लाइवली होना चाहिए, लाइव भाई मैं ऐसा तुम्हारा कंटेंट एकदम। अभी कल क्या हुआ, इतने लेट से आए, फिर मैंने बहुत सारा काम किया है घर में, ठीक है? हाँ काम तुमने किया है, रात को आने का सोने का। और ये अलग बात है कि मेरे को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, पता है रात को हम इतने लेट आए, और फिर एक काम कर, ये कर देगी, एक काम कर, ये कर देगी, एक काम कर, खा ले कसम, तू खा ले कसम, मैंने तेरे को बोला कुछ करने के, मैं कितना थका हुआ था, कितनी नींद आ रही थी मुझे, कुछ तो बोला ही होगा ना, अभी मैं बोलूंगी नहीं, बोलूंगी तो बोलोगे। ग्रीन टी के लिए बोला होगा जरूर, इससे नहीं, ग्रीन टी तो हमने कल पिया ही नहीं था। तो बस फिर चलो इसका मतलब अभी समझो ना कि मैं तुम्हें ग्रीन टी के लिए बोल रहा हूँ। अरे अभी ये चालू हो गए, अभी है ना वाइफ हस्बैंड वाले खिट-खिट चालू हो गए। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, नहीं आपसे नहीं बोलो ना, इनसे बोल रही हूँ, क्या आप लोग कुछ दिख नहीं रहे नया, कुछ दिखाओ जल्दी जल्दी, एक मिनट इस वीडियो को आप रोक दे और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या नया दिखा, काउंट एक मिनट नहीं 5 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5, तो किसने किसने गेस किया पता नहीं, बट मैं बता दूं कि मुझे इन्होंने इस तरह के सरप्राइज किया, करवा चौथ में इन्होंने मुझे कोई गिफ्ट दिया नहीं उस दिन, हाँ क्योंकि इनका प्लान कुछ और ही था, हर बार जैसे ज्वेलरी दे देते हैं या कभी कपड़े दे देते हैं जो मुझे पहनना होता है, जो मुझे पसंद होता है, इस बार इन्होंने क्या किया कि ये मुझे ये सोफा गिफ्ट कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये बम्बूस वाले जो, ये बैम्बूस वाले जो सोफा है ना, बम्बू, अरे बैम्बूस यार, और हिंदी में बोले तो बेत वाले सोफा जो, ये मुझे बहुत पसंद है बहुत, और मैं काफी टाइम से सोच रही थी लेना है लेना है। एक्चुअली ये थोड़ा सा यूनिक लगता है, और इसका इस बार कलर भी मैं ठीक से दिखाऊं क्या इसको, कलर भी ठीक से दिखाऊं, कोई बात नहीं, आपने शॉर्ट्स तो पहनी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये, सीरियसली अच्छा, लाइट वाइट जला के, वाह वाह क्या बात है, ओ हो अब तो मैं यहाँ पे बैठ के शूट करूंगी, पैसे इनके खर्च नहीं, लेकिन कोई बात नहीं शूट मैं कर लूंगी, ऐसे ही खर्च करते रहे अब तुम्हारा ही तो है वो, सब कुछ तुम्हारा, हर चीज की मालिक तुम ही तो, हर चीज की तुम मेरे साथ पार्टनर हो, पता है तुम्हें, सोफे की पार्टनर, मेरे पॉकेट की पार्टनर, मेरे मेरी कार की पार्टनर, मेरे प्रॉपर्टी की पार्टनर, मेरी जिंदगी की पार्टनर, मेरे बच्चे की पार्टनर। चलो तो मैं भी आ जाऊं कि मैं बैकग्राउंड में रहूं, नहीं आ जाओ, जा, बैकग्राउंड से तुम्हारी आवाज वैसे भी थोड़ी सी अलग लगती है। अब इनको बहुत तेज गुस्सा है, बहुत तेज गुस्सा आया है मेरे ऊपर, मैं ठंडा नहीं पीती हूँ यार, नहीं भाई ठंडा हो या गर्म हो, कोल्ड ड्रिंक इज वेरी, यू नो आप लोगों को पता ही नहीं चला ना कब गुस्सा आ गया, इसलिए क्योंकि ये मना करते हैं कि ठंडा, मेरा सच में मेरा गला खराब हो जाता है ठंडी कोल्ड ड्रिंक से, गला खराब होगा ही ना यार, कल हम कहते तो ऐसे ही हमने ले लिया। हाँ तो चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा वाला सरप्राइज दिया, और ऐसे हस्बैंड सबको मिले, ये मुझे ऐसे सरप्राइज करते रहे, हस्बैंड सबको मिले, हाँ मतलब सबको नहीं, मेरे मेरे हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा नेचर इनको ना, ये बताते नहीं है, जैसे कोई चीज मैं पसंद करूंगी ना, कभी मॉल गई कहीं गई, तो ये उस टाइम शो नहीं करते कि हाँ शीतल को ये पसंद आया, ऐसे नहीं, बट अचानक वो सरप्राइज मुझे मिल जाता, तो यार ऐसे सरप्राइज अच्छे लगते हैं। और आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग जो था हमारा, उसको बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक दिया, तो यही हमें चाहिए ही, और जल्दी जल्दी यार पूरे पूरे वीडियोस देखा करो, वॉच टाइम की जरूरत है, जल्दी से हमारे चैनल को मोनेटाइज कर दो, और जितनी भी आपकी बहनें आंटियां जितनी भी है सबको शेयर करो, हमारे इस वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग के साथ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो अब ब्लॉग एंड मास्टर, तो लव यू गाइस, एंड इस ब्लॉग को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने ही है, देखो ये देखो ये तो दिख रहा है ना, और घंटी बजेगी, बजाना है बस और कुछ नहीं करना, और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारे देश को नुकसान हो, हमारे माँ बाप को कोई परेशानी हो, या फिर हमारे लाइफ पार्टनर को दिक्कत हो, स्टे सेफ स्टे हेल्दी गाइज, कोविड अभी गया नहीं है, तो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया गाइज वैक्सीनेशन ले लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कोविड की जीत तभी होगी जब वैक्सीनेशन कम्प्लीट होगा, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, लव यू ऑल, बाय।